लॉरेंस विश्नोई ने पाकिस्तानी गैंगस्टर को वीडियो कॉल पर कहा ईद मुबारक। विवाद के बाद जेल प्रशासन ने दी सफाई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का 17 सेकंड का वीडियो कॉल वायरल हुआ है, जिसमें वह पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी से बात करते हुए नजर आ रहा है। लॉरेंस भट्टी की ईद की बधाई दे रहा है। वीडियो को लेकर पुलिस ने कहा कि यह वीडियो साबरमती जेल का नहीं है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर कर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि लॉरेंस पंजाबी गायक सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की और अब बिश्नोई ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को ईद की बधाई भी दी। इतना ही नहीं, कहा उन्होंने यह भी कहा कि ये सब गुजरात जेल से किया गया। इससे इस बात का पता चल जाता है कि वह जेल में रहते हुए भी कितना आजाद है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस और पाकिस्तानी गैंगस्टर की बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद साबरमती जेल और गुजरात पुलिस पर काफी सवाल उठने लगे हैं। गुजरात पुलिस की ओर से इस मामले पर पहले तो कुछ भी नहीं कहा गया था। बाद में साबरमती जेल में डीएसपी ने कहा कि यह वीडियो साबरमती जेल का नहीं है, ये वीडियो एआई तकनीक की मदद से भी बना हुआ हो सकता है। साल में ईद एक बार तो होती नहीं है, तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये कौन सी ईद का वीडियो है। गुजरात जेल के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में राजनीति भी काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर तीखा हमला किया। आम आदमी पार्टी पंजाब की वरिष्ठ नेता नील गर्ग ने इस मुद्दे पर सुनील जाखड़ को घेरा और सवाल किया कि हर मुद्दे पर पंजाब को बदनाम करने वाले जाखड़ क्या इस मामले पर अपनी पार्टी की गुजरात सरकार से सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल से अपना नेक्सस चला रहा है। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया, अगर सुनील जाखड़ वाकई गैंगस्टरवाद को लेकर गंभीर है तो उन्हें इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री से यह भी पूछना चाहिए कि गुजरात से पंजाब में भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी क्यों हो रही है। गर्ग ने कहा कि भाजपा नेता और खासकर सुनील जाखड़ हमेशा पंजाब विरोधी बयान देते रहते हैं, कभी नशे के नाम पर, कभी कानून व्यवस्था के नाम पर, तो कभी गुंडागर्दी के नाम पर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे पंजाब पूरे देश में सबसे खराब राज्य है, ये लोग पंजाब को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जबकि सच्चाई ये है कि कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब की स्थिति पड़ोसी राज्यों से काफी बेहतर है।